अच्छा उजैर भाई, ब्लैक विंग ब्लैक फेस जो है, इसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है या एवरेज है? यार देखो, ब्लैक विंग तो है मार्केट में लेकिन इतना नहीं है, ब्लैक फेस तो अभी मार्केट में है ही नहीं। ब्लैक फेस मार्केट में है ही नहीं। ब्लैक फेस एग्जीबिशन में अगर किसी के पास है तो, क्योंकि देखो बजीज फेस सबने फोकस हटा लिया था, सही है। अब इनकी डिमांड बहुत आई हुई है। अभी तकरीबन लोग बजीज की तरफ और कॉकटेल की तरफ मतलब मूव हो रहे हैं, फिंचिस की तरफ करें वो अच्छा है, ब्लैक फेस पे का वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक फेस भी आप बना सकते हो इतना वो नहीं है, और उसको एग्जीबिशन भी लेकर आओ तो वो ज़्यादा अच्छा है, उसकी डिमांड है। लेकिन ये नहीं सोचेगा कि भाई ये कोई लाखों के परिंदे लाखों की तरफ जाएंगे, नहीं, इनकी अमाउंट एक सिलेक्टेड है इतनी है और उसकी डिमांड के हिसाब से, लेकिन ये कि डिमांड अभी आई हुई है इसकी बहुत ज़्यादा। सही। अगर आप होगो रोमो में आ जाओ, फेलो की तरफ ब्लैक फेस ले आओ तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और तो कोशिश ये करें मोटिवेशन बनाए इस पर वर्किंग करें। अगर फेलो पे ब्लैक फेस मिल जाए तो उसको, मेरे को पता नहीं इसकी प्राइस क्या है, क्योंकि मैं बजीज पे अभी काम नहीं कर रहा और बजीज का मुझे इसका आइडिया नहीं। ब्लैक फेस में होगो मतलब रेड आई के अंदर, मतलब फेलो में ब्लैक फेस है तो उसमें कितने का है, अगर होगो रोमो में ब्लैक फेस है तो कितने का है, एग्जीबिशन होगो रोमो ब्लैक फेस है तो वो कितने का है, इस पे अगर आप वर्किंग करें तो इसमें रिजल्ट अच्छा है, इसकी डिमांड बहुत है, क्योंकि मार्केट से ब्लैक फेस अभी बिल्कुल शॉर्ट है। अगर कोई काम करना चाह रहा है तो इसके ऊपर ये है कि वर्किंग कर ले, क्योंकि बजीज एक बहुत आसान सा मतलब देखा है तो सबसे इजी वो है, मतलब बर्ड्स पे केयर करने पे, पालने पे और ब्रीड पे, ब्रीड भी बहुत अच्छी ब्रीड है बहुत इनकी। आसानी से बहुत जल्दी दे देता है, और इनके पट्टे भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, जल्दी ब्रीड पे आ जाते हैं, ऐसे ही इनका ये नहीं कि आपको साल भर मतलब वेट करना पड़ता है। तो अगर कोई काम करना चाहे तो ब्लैक फेस के ऊपर वर्किंग करें, और अभी इसका बहुत ज़्यादा, अभी बहुत ज़्यादा तकरीबन स्कोप है और काफ़ी टाइम तक रहेगा, और जब तक ये है कि लवबर्ड भी अपने जगह पे आ जाएगा, अपने मामला सेट कर लेगा, तब तक ये इंशाल्लाह है कि अगर कोई करना चाहता है तो ब्लैक फेस की तरफ या ब्लैक विंग की तरफ काम कर ले, अच्छा रिजल्ट सही। है इसका, इसकी डिमांड है अभी। अच्छा, और इसके अलावा एग्जीबिशन वगैरह तो बताएं। एग्जीबिशन का ये है कि एग्जीबिशन तो देखें वो शुरू से ही थोड़ा सा जैसे बजीज में ब्रीड के मामले में थोड़ा सा वो रहा है सेंसिटिव, लेकिन ये कि ब्रीड अब लोगों उसके फॉर्मूले पता चल गए, किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से करानी है, अब तो तो उस फॉस्टरिंग भी हो जाती है ना, फोस्टिंग भी आती है। और दूसरी चीज़ यार देखो, पहले हमें पता नहीं था, पहले हमें यही बात आती हुई, चैनल भी नहीं होते थे पहले। हमें नहीं पता था ना, मतलब पहले हमें किस तरीके से लेके चलना था, हमें तो किसी बर्ड्स का नहीं पता था, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें सीखा, आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि बर्ड्स को इस तरीके से इस वेदर मतलब इस टेम्परेचर में रखना चाहिए इनको, पहले तो हमें ये भी नहीं पता टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है, हम लोग बस ऐसे काम कर रहे होते थे, टेम्परेचर क्या देना है क्या देना अच्छा है गाइस, उसको। मजे की बात मैं आपको बताऊं, जिन चीजों को हमने वायरस समझा है, कई बार ऐसा होता है कि वो वायरस होती ही नहीं है। अगर आपका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा और आपके बजीज को मोशन लग रहे हैं, तो आप बजीज को बजाय उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के, मेडिसिन अगर देना शुरू और गर्म आप मेडिसिन, मेडिसिन देना शुरू कर दें, तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ऐसा वायरस आ गया है जो आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, हाँ ऐसे ही है, जबकि ये वायरस नहीं है, आपसे आपने टेम्परेचर नहीं कंट्रोल किया। ऐसे ही इसी तरह कॉकटेल के अंदर भी है, कॉकटेल में कोई बीमारी नहीं है किसी किस्म की, ना कोई वायरल इन्फेक्शन आता है कॉकटेल के अंदर। कॉकटेल का सिर्फ एक मसला है, अगर कॉकटेल मिसाल के तौर पे आपके पास टेम्परेचर बहुत कम हो गया, इतना कम हो गया कि आपने दीवारों में कॉकटेल रखे हुए, लेकिन छत पे तो कॉकटेल बादशाह होता है, छत पे तो ऐसी धुआंधार ब्रीडिंग करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने खुद देखी है ब्रीडिंग, छत बिल्कुल हो गई, बैल्कनी हो गई, बैल्कनी में मैंने ब्रीड लिए, बहुत खूबसूरत ब्रीड आती है। लेकिन अगर आपने इंडोर रखे हैं और टेम्परेचर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आपने कॉकटेल रखा हुआ है, तो बजरी हो या कॉकटेल हो या फिर आपके पास गोल्डियन फिंच हो, अगर टेम्परेचर हद से ज्यादा नीचे, हद से ज्यादा तेज ऊपर जा रहा है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा और पंखा नहीं लगाया हुआ आपने, तो वो कोई भी बर्ड हो मोशन करना शुरू कर देगा, चाहे वो लवबर्ड क्यों ना हो। और लवबर्ड पे भी इसी तरह पॉक्स भी आ जाती है गर्मी से। क्या ऐसे ही है, होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, बर्ड को खारिश शुरू हो जाती है, और हफ्स में जब वो खारिश करता है, तो जब वो नाखून मारता है अपनी आंख के ऊपर, तो क्या होता है कि वो दाने बनना शुरू हो नहीं जाते नहीं हैं, नहीं मैं आपको बताऊँ क्या, दाने नहीं, माइंड माइंड्स होती है ना, माइंड्स बन जाती है, मतलब जुए हो माइट्स जाती है, बन हाँ जाती, जुआ माइंड्स आ बन जाती। जाती हैं, तो वो हफ्स के अंदर देखिए एक बात होता है, टेम्परेचर बिल्कुल एयर पैक होती है ना जगह, माइंड्स हो जाती है, माइंड्स से उनकी ज़्यादातर जो ना काटती है आँख की सराउंडिंग पे, और रिंग बर्ड के जो ना आँख पे देखें आपने देखा पॉक्स ना रोजी कोली को बहुत कम आता है, बहुत कम ज्यादातर आता है। रिंग बर्ड को आता है जल्दी, और रेड आई के ऊपर जल्दी आता है, क्यों, क्योंकि मच्छर भी यहीं काटता है और उनके माइंड से होती है, वो जाके दरी वार करते, तो जब वो खुजाता है तो फिर वो जख्म होने लग जाता है, फिर वो आगे फिर पॉक्स की मतलब पहले तो मतलब
आंख में कीचड़ा टाइप की होती है, अगर वो चिटा सा वगैरह साफ नहीं करें आप तो फिर वो पॉक्स की तरफ चेंज हो जाता है। तो यही होता था पहले, तो हमें अवेयरनेस नहीं थी, टेम्परेचर मेंटेन रखें सारी चीज़ें। पहले का तो यही था कि मेरे साथ भी ऐसी हुआ भाई, मतलब बर्ड से तो होता है हफ्स में रख दिए, क्योंकि हम जब गर्मी सर्दियाँ आती थी ना पूरा पैक कर देते थे प्लास्टिक लगा के अंदर, बिल्कुल हवा नहीं, एग्जॉस्ट भी नहीं लगे हुए, पता ही नहीं था, बोलते नहीं हवा नहीं आनी चाहिए, लेकिन हवा थोड़ी सी चाहिए थी एग्जॉस्ट हो के, मतलब वेंटिलेशन चले। फिर बाद में सीखते 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 आ ही गया। तो वायरस का भी हमें आइडिया नहीं, वायरस सही आपने बिल्कुल बात यही सही कही कि हम लोग कुछ चीज़ों को ऐसा समझते जो वायरस नहीं होता था, वो टेम्परेचर का इशू होता था, हम उसको वायरस समझते उसको ट्रीट करते थे। अच्छा एक दोस्त था हमारा, वो बजरी रखता था, कह रहा यार ऐसा देख वायरस आ गया, मैंने क्या सब मोशन कर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, ऑफ हो गया अभी क्या वो अभी अभी हुआ है ना, दिखाएगा चेक कर, सही हो गया रुको हट गई वो वीडियो, कोई बात नहीं कोई। अबे वीडियो बनाई थी हमने, देख लेते हैं मैं चेक कर लेता हूँ, वीडियो देख रहे हैं जरा इशू आ गया छोटा सा, वीडियो चेक कर लेंगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं वीडियो बन भी रही है कि नहीं बन रही, ये अभी रिसेंट की बात कर रहे हैं ना। ये बात कर रहे हैं हम लोग, बनी है मैंने प्ले करी थी, ब्लैक विंग वाली भी 34 मिनट तक की बनी है। अच्छा ये यही वाली है ना, ये बनी है 3.54 की, चलो कोई मसला नहीं दोबारा इसको कर लेते हैं, मतलब इसी में दोबारा ऐड हो जाएगी, वाली है दोबारा ऐड हो जाएगी, हाँ दोबारा ऐड हो जाएगी, यही है कंफर्म यही है, हाँ हाँ इसको ऑन कर लें अभी दोबारा ना, इसको ऑन कर लें, चले कोई नोटिफिकेशन आ गया होगा इसका, ऑन कर लें, रेडी स्टार्ट। हाँ तो इसमें ये क्या होता है कि एक बार क्या हुआ कि मैं, मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, कहने लगा यार ऐसा कोई ना वायरस आया हुआ है, मैंने कहा क्या वायरस आया हुआ है, कह रहा है कि यार वो ना सब बजरी मोशन कर रहे हैं और उनके बच्चे भी मोशन कर रहे हैं, बड़े भी मर रहे हैं बच्चे भी मर रहे हैं, तो मैंने कहा ये कैसा वायरस है, कह रहा है, मैंने कहा मोशन तो वायरस होता ही नहीं है भाई, लूज मोशन कोई वायरस थोड़ी है, अगर आपके घर में किसी बड़े भाई को लूज मोशन हो रहे हैं तो ये थोड़ी है कि छोटे भाई को भी सुबह होना शुरू हो जाएंगे, ये कोई वायरस नहीं है, मोशन होना कोई वायरस नहीं है या उल्टियाँ होना कोई वायरस नहीं है। अब उसको समझ नहीं आ रही, मैं उसके सेटअप पे गया, आप यकीन नहीं करोगे इतनी तपिश हो रही, इतनी तपिश हो रही। मैं आपको एक बात बताऊँ, वायरस मोशन में भी आता है, दो तरीके का होता है, आपको शायद पहले याद हो, पहले रानी खेत के वायरस आता था, तो मोशन के अंदर ब्लड आने लग जाता था पर्स के, तो वो मोशन से ही स्टार्ट होता था, ऐसा नहीं उसमें आता था, लेकिन ये होता था कि हम लोग उस टाइम ये नहीं देखते थे, पहले हम उनकी बीट चेक नहीं करते थे, बीट में दाना आने लगता है पहले, सबसे पहले तो जो वायरस आता है ना उसमें दाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, डायरेक्ट साबुत साबुत दाना आने लगे बीट के अंदर, फिर वो अंदर जख्म बनाते थे, उससे फिर ब्लड आने लग जाता था, वो रानी खेत का वायरस है घोटे का सांस का, तो वो मोशन से ही आता है, वैसे मोशन में वायरस भी होते हैं, लेकिन ये है कि कभी कभी गर्माइश हो जाती है, तो गर्माइश भी क्योंकि हम लोग फीड मिक्स देते थे, हर चीज़ डालते थे और गर्म आइटम भी देते थे, मतलब सनफ्लावर ये वो, तो उससे भी मोशन लग जाते हैं, तो ज़्यादा गर्म चीज़ खाने से, ज़्यादा गर्म गिज़ा से भी, और बजीज सबसे देखा नाजुक परिंदा सबसे नाजुक है ऐसे, हाँ तो वो फौरन जल्दी सबसे ज़्यादा जल्दी मोशन में आता था, और अगर उसका गर्मी ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर की वेंटिलेशन का कोई हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उस पर भी वो बजीज मोशन पर आ जाता था। वायरस मोशन पर भी आता है, ऐसा नहीं कि मोशन पर नहीं आता, लेकिन वो देखना पड़ता है बीट देख के कि उसका बीट कैसी आ रही है, अब वो मोशन कर रहा है, आप देखें गरमाइश वाले मोशन है क्या है, अब वो चीज़ होती थी, आपने बिल्कुल सही कहा, वो टेम्परेचर से कंट्रोल नहीं होगा उन्होंने लगा दी, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं था कुछ भी, हाँ। और ये बहुत, और अब ये है कि आज का मैंने देखा कि भाई नया बंदा भी आ रहा था, वो एक्सपर्ट आ रहा है, देखता है चीज़ें समझता है, वीडियोस देखता है, वीडियोस चैनल अब ये एक मेरे पास भाई आए थे अभी, वो मुझसे कुछ बर्ड्स लेके गए, ये लेके गए, मैं उससे बातें कर रहा, तो वो कुछ बातें करते, तो मुझे मैंने बोला यार आपको मैंने मार्केट में कभी देखा तो नहीं ना कहीं, यार आपको ना, बोला यार मैं अभी न्यू फैंसी हूँ, मैंने कहा यार मुझे आप न्यू फैंसी लग नहीं रहे हो, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था उसकी बातों से, मैंने कहा यार आपको काफ़ी चीज़ें पता है बर्ड्स के हवाले, बोला नहीं उजैर भाई मैं देखता हूँ ना ये चैनल वगैरह ये सब, बोले मुझे शौक तो था, अच्छा मुझे न्यू फैंसी, अब वो यहाँ से पता लगता है इंसान
शौक में आ रहा है या फिर पैसों के लिए आ रहा है? दोनों में शौक तो था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता था। सही। अब मेरा माइंड बन गया मुझे करना है। मैं देखता था कभी किसी की वीडियो, कभी किसी की वीडियो, संडे मार्केट की ये वो। उसके बाद संडे मार्केट में लोग आते थे, फिर ऐसे उन्हें किसी को इंट्रोडक्शन करा देते थे कि भाई ये भाई हैं, उनके शेट की वीडियो लगा लिए, कोई उनका चैनल खोल लिया किसी का ये वो। तो उसके बाद फिर ऐसे, तो वहाँ से ये कि अब न्यू फैंसर भी जो आ रहा है ना, जिसको शौकीन है वो काफ़ी सारी नॉलेज लेके आता है। ऐसा नहीं है कि इसको कुछ नहीं है, जैसे हम जीरो थे, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो जीरो था, हमने सीखा सारी चीजें, वो अब जीरो नहीं आ रहे। अबे मैं कॉकटेल लिखता था, कॉकटेल लिख के ना यूट्यूब पे एंटर मारता था, अंग्रेजों की वीडियो आ जाती उस टाइम, हम समझ में नहीं आती उस टाइम तो कोई बनाता नहीं था। सो गाइस, अगर आपको चिक्स बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन चाहिए, देखें चिक्स बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको घर बैठे मिल जाएगी ऑल ओवर द पाकिस्तान। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, डॉक्सी लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 03272310040। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जा दीजिएगा, अल्लाह।